गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की जो वीडियो है आपने देख ही लिया है टाइटल थंबनेल से, आप जान चुके हैं कि आज कौन सी वीडियो लेकर आई हूँ। क्योंकि आज मैंने सोचा कि मैं कुछ हटके कुछ अलग वीडियो आपके साथ में शेयर करती हूँ। आज मुझे रिसीव हुए बहुत सारे पैकेट्स जो कि मिंत्रा से रिसीव हुए हैं, एंड ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है मिंत्रा साड़ी हॉल। सो काफी सारी साड़ियां हैं और एक से बढ़कर एक साड़ियां मैंने चूज की है मिंत्रा से, जस्ट बिकॉज की वेडिंग सीजन चल ही रहा है एंड काफी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं। मतलब डिजाइनर है, कुछ यूनिक है, कुछ नेट की साड़ियां हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगने वाली है आपको ये वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है, शेयर करना है फैमिली एंड फ्रेंड्स में, एंड बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करना है जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मेरी आने वाली न्यू वीडियोज के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देख लेते हैं कौन कौन सी साड़ियां होने वाली है। एक से बढ़कर एक साड़ियां हैं। एंड हाँ, मिशो बैंगर्स हॉल तो आप लाइक करते ही करते हो। मैं होप करती हूँ कि ये वाली जो वीडियो है मिंत्रा साड़ी हॉल, इसको भी आप भर भर के प्यार देना, भर भर के अपना प्यार लुटाना, और जिससे कि मैं और भी इसी तरीके की वीडियोज लेकर अपने चैनल पे आऊंगी। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए वन बाय वन करके दिखाती हूँ कौन कौन सी साड़ियाँ होने वाली है। तो सबसे पहला पैकेट मैं ओपन करती हूँ। तो इस तरह की पैकेजिंग होती है मिंत्रा की, आप सबको पता ही है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कौन सी साड़ी रिसीव हुई है। मैं स्क्रीन पर वैसे दिखा दूंगी कि किस साड़ी की मैं बात कर रही हूँ। तो इसको खोलते हैं। सबसे पहली जो साड़ी है वो है ये बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी जो कि जॉर्जेट फैब्रिक में होने वाली है और सीक्वेंस की ये साड़ी होने वाली है। वैसे तो कलर की मैं बात करूं तो उसमें मेंशन था कि ये ऑफ वाइट कलर है, बट जहां तक मुझे लग रहा है ये ऑफ वाइट तो बिल्कुल नहीं है, ये वाइट कलर की साड़ी है। और चलिए अब खोल के दिखाती हूँ कि ये मुझे कैसी रिसीव हुई है। सो ये इसका टैग है। ओके, सो सबसे पहले साड़ी की मैं बात करूँ तो आप देखिए साड़ी ऑल ओवर पूरी इसी तरीके की है, सीक्वेंस का काम है इस साड़ी में। और ऑफ वाइट आपको कहीं से लग रहा है? नहीं है ऑफ वाइट, बट ये वाइट कलर की ये साड़ी होने वाली है। सो इस साड़ी में मैंने एक चीज और नोटिस किया कि मिंत्रा की वेबसाइट पे इस साड़ी का जो ये सीक्वेंस का काम था ना, ये वाली जो लाइन थी फ्लावर वाली, ये वाइट कलर की लाइनिंग है उसमें। मतलब वाइट कलर की फ्लावर सीक्वेंस का काम किया गया है, बाकी सारे गोल्डन का काम किया है। जो ये थ्रेड वर्क आप देख रहे हो ना, ये थ्रेड वर्क हो रखा है इसमें। सो ये इस तरीके का काम था, बट ये मुझे कुछ डिफरेंट रिसीव हुई है। मतलब पूरे के पूरे गोल्डन सीक्वेंस ये काम है इस पूरी साड़ी में। अगर मैं पूरी साड़ी को खोल के दिखाऊं आपको कि ये कैसी लगने वाली है, तो वैसे तो मैं ट्राई ऑन में आपको क्लियर हो जाएगा, मैं दिखाऊंगी साइड में आप देखते रहना, लेकिन अगर मैं इस साड़ी को आपको खोल के दिखाऊं तो ये साड़ी कुछ इस तरीके की होने वाली है। ऐसी पूरी साड़ी होने वाली है, पूरी साड़ी में ये काम मिलेगा आपको, यही पूरा काम मिलेगा सीक्वेंस का ही। और सुंदर लगेगी, मतलब बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे तो पतला सा ये इस तरीके का कुछ बॉर्डर है, मतलब अलग से कुछ भी नहीं है, सिंपल सा इसी साड़ी को नहीं होता तुरपाई करना, तो वो उस तरीके का है, कुछ अलग से बॉर्डर वगैरह नहीं लगा है, पाइपिंग बोल सकते हैं इसको व्हाइट कलर में। सो पाइपिंग लगी हुई है और इस तरीके से ये पूरा साड़ी है। बाकी यहां तक ये आपकी साड़ी आ जाती है। ब्लाउज की बात करें तो ब्लाउज आपको मिल जाता है इस तरीके का, पूरा सीक्वेंस का पूरा काम है ब्लाउज में। तो आप बनवा सकते हो क्योंकि जिस मॉडल ने इसको पहन रखा है ना, उसके जो स्लीव्स हैं वो यहाँ तक के हैं, आप देखना, पिक्चर्स में लगा दूंगी आप देख लीजिएगा। सो इस तरीके का ब्लाउज आने वाला है और सुंदर लगेगी। मतलब साड़ी ये ऐसी है कि पार्टी वगैरह में आप इसको पहन सकते हो, स्पेशली मुझे लगता है कि गर्ल्स के ऊपर ये ज्यादा अच्छी लगेगी, जिनकी शादी नहीं हुई है और वो फेयरवेल पार्टी वगैरह है, उसमें वो इन साड़ियों को स्टाइल कर सकते हैं। या फिर अगर आप पार्टी में भी जा रहे हो, जैसे रिसेप्शन वगैरह है या फिर किसी की इंगेजमेंट है, तो अगर आपको व्हाइट कलर पहनना पसंद है तो आप डेफिनेटली साड़ी को परचेस कर सकते हो। मुझे ऑल ओवर ये साड़ी अगर देखी जाए तो सुंदर लगेगी, मतलब पहनने के बाद में इसका लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा। तो आप देखते रहना, साइड में दिखाऊंगी मैं आपको लुक इसका पूरा कि ये किस तरीके की साड़ी लगने वाली है। ठीक है, तो वैसे तो मैं इसको रेटिंग अगर देना है, मुझे मैं 4 out of 5 दूंगी इसको, क्योंकि कपड़ा इसका जॉर्जेट का है तो कहीं से ऐसा नहीं है कि ये चुभ रहा है। सो ऑल ओवर पूरी साड़ी इसी तरीके की है, डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके की साड़ियां पहनना पसंद है, सीक्वेंस की साड़ियां पहनना पसंद है, तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट साड़ी की। ओके, अब नेक्स्ट साड़ी की मैं बात करूं तो नेक्स्ट साड़ी भी कुछ इस तरीके की है।
और मैंने कलर्स को बहुत ध्यान में रखा है कि मैं अलग अलग कलर आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि एक तो पार्टी वेयर साड़ियां होती है ना, तो काफी अच्छे से मतलब देख के चूज करना होता है कि हाँ पार्टी में हम इसको पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये साड़ी परचेस की है। तो ये देखो आप, ये वाली जो साड़ी है ना, ये मुझे स्क्रीन पे जब मैंने वेबसाइट पे देखा था, मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि इसका काम आप देखोगे ना तो बहुत ही अलग सा है, यूनिक सा है। और ये नहीं होता, ये जो कपड़ा होता है ना, सैटिन का कपड़ा ऐसा कुछ कपड़ा है, और इस पे इस तरीके का ये जो काम हो रखा है ना, आप देखोगे बिल्कुल इस पे डिजाइन जो बनी हुई, लीफ की डिजाइन बनी हुई है, तो एकदम से शाइन करता है। टकिंग वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो यहां से स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे सबसे पहले बॉर्डर, ऊपर साइड में बॉर्डर आपको इस तरीके का मिलेगा, इतना चौड़ा बॉर्डर है, एंड नीचे के साइड में भी आपको इसी तरीके से यही वाला बॉर्डर मिलेगा, सेम टू सेम इतना ही चौड़ा। बाकी ऑल ओवर साड़ी में जो काम आप देख रहे हो ना, ये कितना खूबसूरत इसमें काम किया गया है। अच्छा, इसमें डिजाइन अगर आप देखोगे ना, तो पिकॉक बने हुए हैं छोटे छोटे पिंक कलर में, और पिंक और गोल्डन कलर में। और बाकी ऑल ओवर साड़ी की बात करो, इसी तरीके का, इसमें कोई स्टोन वर्क या फिर ऐसा कुछ जरी वर्क का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप बोल सकते हो उसको फॉइल प्रिंट बोल सकते हो, ऐसा कुछ काम किया गया है। और बाकी जो ऑल ओवर साड़ी है वो इस तरीके की है, बहुत ही खूबसूरत सा इसमें एक शाइन है, जो कि पहनने के बाद में लुक बहुत अच्छा आने वाला है। बॉडी हगिंग साड़ी है, मतलब बहुत अच्छे से बॉडी को हग कर लेती है उसके हिसाब से। और ये आता है यहां से इसका ब्लाउज, ठीक है, तो ये जो है ब्लाउज वाला पार्ट है, आप चाहो तो ब्लाउज भी इसका बनवा सकते हो, क्योंकि ब्लाउज जब इसका पहनोगे ना, मॉडर्न जो पहन रखा है ब्लाउज के साथ में इस साड़ी को, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से ब्लाउज भी आप इसका बनवाओगे तो काफी अच्छा लगेगा। यही वाला कपड़ा है, डिजाइन थोड़ा सा अलग है, बाकी ऑल ओवर साड़ी आप देख ही रहे हो। आंचल पल्लू की भी बात करो तो थोड़ा अलग सा डिजाइन है, तो आंचल पे आपको इस तरीके का डिजाइन मिलेगा, पिकॉक का, थोड़े बड़े पिकॉक है, सो इस तरीके का पूरा ऑल ओवर ये डिजाइन मिलने वाला है। सो मुझे तो ये साड़ी काफी ज्यादा पसंद आई, बॉडी को हग करने वाली साड़ियां मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिससे कि आप थोड़े से स्लिम भी दिखते हो, पतले दिखते हो, और हाँ अगर थोड़े से हेल्दी हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हाँ इस तरीके की साड़ियां अच्छी लगती हैं, मतलब स्टाइल करने में भी मजा आता है, फुली फुली सी नहीं लगती हैं, और बॉडी पे काफी अच्छे से ये सेट हो जाती है। तो इस तरीके की साड़ियां भी बहुत प्रिटी लगती हैं, ट्राई ऑन में आपने देख लिया होगा कि ये कैसी लग रही है, और काफी प्यारी साड़ी है, डेफिनेटली इसके साथ में जा सकते हैं। और प्राइस की मैं बात करूं तो प्राइस सभी के प्राइस मुझे लगता है कि 1000 या फिर 1100 के अंडर में आपको मिल जाएंगी ये सारी की सारी साड़ियां, तो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, मतलब इस तरीके के साड़ियां जो है आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। सो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन की। ओके, तो अब नेक्स्ट साड़ी की मैं बात करूँ ना, तो नेक्स्ट वाली जो साड़ी है ये तो मतलब मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई, मुझे मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हाँ ये साड़ी मुझे अच्छी रिसीव होगी। कलर को लेके थोड़ा सा मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था खुराफात कि यार ये कलर पता नहीं अच्छा रिसीव होगा कि नहीं होगा। वैसे तो वेबसाइट पे कलर अगर आप इस साड़ी का देखोगे ना, तो कुछ गाजरी सा आपको लगेगा, देखना किस साड़ी की मैं बात कर रही हूँ, तो गाजरी काइंड ऑफ ये साड़ी मुझे लग रही थी कुछ कलर के मामले में, लेकिन जब ये मुझे रिसीव हुई तो कुछ इस तरीके से रिसीव हुई, मतलब इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज है, लाइट पिंक जो बेबी पिंक होता है वही वाला कलर है। लेकिन इस पर्टिकुलर साड़ी की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी लगी मुझे। अगर आप दुबले पतले हो, स्लिम ट्रिम हो, तो ये साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि आंचल की मैं बात करूँ, सबसे पहले आंचल ही दिखा देती हूँ, आंचल इसका मेन पार्ट है, क्योंकि फ्रिल वाले डिजाइन है कुछ इसके आंचल में इस तरीके से, और पूरी ऑल ओवर साड़ी में इस तरीके का काम हो रखा है, इस तरीके का लेस लगा हुआ है, गोल्डन लेस पूरी साड़ी में, पूरी साड़ी नेट की है, सी थ्रू है, सो नेट की साड़ी अगर आपको पहनना पसंद है इस तरीके की, डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, एंड अच्छी लग रही है, मतलब कोई और दूसरा काम इस साड़ी में है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही वाला गोल्डन लेस लगाया हुआ है, बाकी और कुछ भी इस साड़ी में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कुछ अलग सा है, डिजाइन है, कुछ स्टोन्स है, कुछ जरी है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लेस ही है जो इस साड़ी को बहुत खूबसूरत बनाता है। सो कैसी लगी आपको ये साड़ी मुझे बताइएगा कमेंट करके, मुझे ये थोड़ी हटके कुछ यूनिक लगी, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको परचेस कर लिया, एंड पार्टी वेयर साड़ी लगी मुझे, क्योंकि पार्टी में ये परफेक्ट जाएगी, पार्टी लुक बहुत ही अच्छा आएगा इस पे, अगर आप इस पे कुछ क्रिएट करते हो तो इसके साथ में, तो काफी अच्छा लुक आने वाला है। सो ये है नेक्स्ट साड़ी, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट लास्ट वन की।
ओके, नेक्स्ट जो साड़ी है ये भी बहुत ही प्रिटी सी साड़ी है और इसका कपड़ा बिल्कुल डिफरेंट सा है। ये वाली साड़ी मरून कलर साड़ी जो सॉन्ग है ना, काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा इन है आजकल। वैसे आपको स्क्रीन पे ये ना गाजरी लग रहा होगा, लेकिन ये है मरून, मरून एंड रेड कॉम्बिनेशन है। मतलब प्रॉपर मरून भी नहीं है एंड रेड भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसका काम देखोगे ना तो काम बहुत ही अच्छा है। पूरा का पूरा जो है सीक्वेंस का इसमें काम किया गया है। खोल के दिखाती हूँ आपको कि ये कैसा लगता है। सो ओपन करने के बाद साड़ी कुछ इस तरीके का, इसका ये आंचल वाला पार्ट है। यस, आंचल वाला पार्ट है, सी थ्रू साड़ी है, देख सकते हैं आप। लेकिन जो काम किया गया ना सीक्वेंस का, ये एकदम नीट एंड क्लीन काम है। मतलब एकदम से धागे वगैरह इधर उधर कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा काम किया गया है। लोटस है आई थिंक, हाँ लोटस इस पे बनाया गया है। लीव्स एंड फ्लावर के डिजाइन है इस पे, इस तरीके से कटवर्क है। बॉर्डर पे देखेंगे तो पूरा कटवर्क किया गया है और कटवर्क वाले बॉर्डर ना मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। सो इस तरीके का पूरा ये सीक्वेंस का काम है। सीक्वेंस भी कुछ ग्रीन में कुछ व्हाइट में है, ऐसे ऐसी कॉम्बिनेशन में है। ट्राई ऑन में देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब ये साड़ी पहनने के बाद में ना बहुत ही सुंदर लगेगी आपको और एकदम से सेट हो जाती है बॉडी में। तो प्रॉपर जो है इस तरीके का ब्लाउज पीस आई थिंक यही वाला है पार्ट। एकदम सिंपल सा आपको कपड़ा मिलेगा, 80 सेंटीमीटर आई थिंक। यस, एकदम सिंपल सा कपड़ा मिलेगा, इसमें कोई काम नहीं दिया गया है। ब्लाउज की स्लीव्स वगैरह के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं दिया गया है। बाकी पूरी साड़ी आपने देखी ली कि कितना सुंदर लग रहा है ये। सो अच्छा लगेगा, पार्टी वेयर है और पार्टी वगैरह में अगर आप इसको पहनोगे ना तो इसका लुक एकदम से डिफरेंट आने वाला है। मतलब बहुत ही सुंदर लगने वाली है ये साड़ी। ऑल ओवर हैवी ज्वेलरी या फिर लाइट ज्वेलरी, कैसी भी ज्वेलरी पहनोगे ना आप इस पे, वो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो ये साड़ी भी मुझे काफी अच्छी लगी और ये साड़ी भी 1000 या 1100 के अंडर में ही मिलेगी आपको। सारी की सारी साड़ियां ऐसे ही कुछ है। सो कैसी लगी आपको ये साड़ी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे ये चारों की चारों साड़ियां काफी ज्यादा पसंद आई और आपको कैसी लगी, कौन सी वाली साड़ी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो ये था मेरा मिंत्रा साड़ी हॉल, जो कि कुछ साड़ियां मैंने परचेस की थी पार्टी वेयर वेडिंग फंक्शन के लिए। एंड होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आपको करना यही है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को, एंड ढेर सारा लाइक कीजिएगा जिससे कि मैं और भी इसी तरीके की वीडियोज आपके लिए लेके आती रहूंगी। और भी अगर साड़ी हॉल अगर आपको चाहिएगा मीशो का, अमेजोन का, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कौन से वेबसाइट से आपको साड़ी हॉल चाहिए, तो डेफिनेटली मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, सारी साड़ियों की बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो चेक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।